हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। यार मैंने सोचा आज जो है आपका भाई डकी भाई बन जाए। भाई सीन ये है कि आज है छुट्टी और क्रिकेट का सीन ऑन है, और ये हमारी नॉर्मल रूटीन यही है कि छुट्टी के दिन जो है क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा आज हम क्रिकेट का व्लॉग बनाएं, बहुत सीरियस जो है वो व्लॉग हो गए क्रिकेट के ऊपर, आज कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा वीलॉग बनाए। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग वीलॉग। एक जो है वो रात को मुझे भी पता लगा, रात को 2 बजे, कि जका अशरफ साहब ने एक चवल मार दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रात में, और इंडिया जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया को इन्होंने दुश्मन मुल्क कह दिया इंडिया को। तो भाई यार ऐसे नहीं करो, खुदा का खौफ करो। अभी वैसे ही अल्लाह लगा करके इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिला पाकिस्तान टीम को, और आप जो है वो अपना लग रहा है कि आप अपनी उम्र हो गई है आपकी, 80 साल के हो गए, और आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कह दिया कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क गई हुई है। तो भाई इस तरह की चवले ना मारो यार, खुदा के लिए यार इस तरह नहीं करो भाई, ऊपर हमारे बाबर आजम को मुंह देना अजाब हो जाएगा वहां पे यार। तो भाई फिर हम निकलते हैं, देर हो रही है ऑलरेडी, 6 से ऊपर टाइम हो गया है, और दूसरी टीम का जो कैप्टन है वो हमसे नाराज़ हो जाता है अगर हम लेट हो जाते हैं। भाई सीन ये है कि हम लोग निकल गए अब, और रास्ते में एक बड़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत को हम पिक करेंगे, अदनान भाई, और लेट्स सी अदनान भाई के साथ थोड़ी सी गपशप लगाएंगे रास्ते में। भाई एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया यार, आज मैं करूँगा सेलिब्रेशन अपनी टीम के साथ। किस पर भाई? आपके भाई के 1000 सब्सक्राइबर हो गए यार कल यार, तो इसको सेलिब्रेशन करना तो बनता है यार। तो भाई अदनान भाई को पिक करेंगे, उसके बाद बेकरी से केक उठाएंगे, और उसके बाद सीधा चलेंगे ग्राउंड। ग्राउंड तो नहीं कहूँगा, खैर हम लोग खेलते हैं रोड पे, तो भाई जान क्रिकेट वाली जगह पे चलते हैं। अदनान भाई को पिक करेंगे, उसके बाद केक उठाएंगे, और अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ केक कटिंग करेंगे। A few moments later. तो भाई केक हमारा रेडी है, बंदा लेने आ रहा है। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये कोई और है। हाँ ये बंदा आ रहा है, ये मेरा भाई है छोटा, और मेरा भाई छोटा जो है वो मेरे लिए केक लेके आ रहा है खुशी खुशी से। अरे आरिस भाई क्या हाल है, ठीक ठाक ठीक हैं? ठाक ये आपका केक। थैंक यू यार आरिस भाई। अरे बाबू हमारा बंदा खड़ा हुआ है, हमारा बंदा खड़ा हुआ है, रेडी बैठा हुआ है। अरे गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेट कर दिया आज। अबे यार अदनान भाई लेट हो गए यार, वो केक ले रहा था यार। मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? अच्छा अदनान भाई आपको पता है एक सीन हुआ है रात को 2 बजे, मतलब रात में जका अशरफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पता आपको ये बात? जका अशरफ साहब ने इतना इंतहाई चवल मारी है, और उन्होंने ना इंडिया को दुश्मन मुल्क कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। कब की बात है ये? ये रात की बात है भाई, ये सीन हुआ है बाबा। वहाँ पाकिस्तानी टीम को फूल बरसा रहे हैं, और हमारे जो 80 साल के जो हमारे चेयरमैन है पीसीबी के, वो इंडिया को दुश्मन मुल्क कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी टीम जो है वो दुश्मन मुल्क गई हुई है। नहीं, ये तो ज्यादती वाली बात है यार। यार ये मतलब ये इस तरह तो की बहुत चवले बड़ी, मारोगे बाप यार? मतलब इस सीट पे बैठ के इस किस्म का कोई जुमला बोलना, बड़ी ये कमेंट्स पास करना, ये तो बहुत बड़ी ही हैरत थी यार। अब कहाँ कहाँ गलत कितने बात मुंह है। देंगे बेचारे हमारे प्लेयर जो है, और नहीं इंडिया प्लेयर तो आपको खैर पता है मुंह भाई। देंगे, वो तो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन वो मीडिया नहीं छोड़ेगा अब इनको अगर, और ये उस पर जब तक अपोलोजाइज नहीं करेंगे जब तक ये बहुत मामला जरूरी है, आगे बढ़ेगा। बहुत जरूरी है भाई, मैं माफी मांगता हूँ यार, हमारे जका अशरफ साहब ने चवल मारी है यार, मैं माफी मांगता हूँ यार हमारे इंडियन मीडिया से और इंडियन फैंस से। हाँ बिल्कुल मांगनी चाहिए भाई, ये जका अशरफ भी हमें ही रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल पाकिस्तान को, बिल्कुल उसका कोई जाती तो कोई मामला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल तो अगर ऐसे। उसने कोई गलत बात की है तो समझ लें हम सब ने की है, अब उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हमें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही दुश्मनी सब सियासत वो अलग मैटर है, क्रिकेट एक अलग अलग चीज़ है, मैटर है, स्पोर्ट्स बिल्कुल अलग मैटर है, एब्सोल्युटली ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही भाई। अच्छा एक और ट्विस्ट इन द टेल आज क्या है पता है? ओके हमें हमें हो गई है देर मैच के लिए, और एक बबली कप्तान हमारा जो है ना वो पहुंच चुका है, वो पहुंच चुका है, और दिमाग की ऐसी जब दही करेगा दिमाग की वो, कि बस क्या कहें,
अब आप ही मुंह देना भाई, मैं तो कैमरे के पीछे छुपा हुआ। नहीं नहीं, मुंह देंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे जवाब दें इनको बल्ले से और बॉल से। भाई हमारी 15 साल की रूटीन है, कोई नई नहीं है, आज नहीं आ रहे ये तो वीलॉग, सिर्फ आज बन रहा है हमारा। ये हमारी 15 साल पुरानी रूटीन है, 15 साल से सुबह 6 बजे खेलते हैं हम लोग छुट्टी वाले दिन और इंजॉय करते हैं। पूरे वीक जो है वो अपने अपने काम शाम में लगे होते हैं, वीकेंड वाइज हमें मिलता है जिसमें हम इंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं, और एक्स्ट्रा छुट्टी अगर मिल जाए तो फिर तो हमारी ईद हो जाती है, और वो आज एक्स्ट्रा छुट्टी है हमारी, रबी लेवल की छुट्टी थी तो हमने सीन बनानी है क्रिकेट का। क्यों नंद भाई, क्या बिल्कुल ऐसा ही है, और 15 साल से भी शायद ज़्यादा हो गया इसको क्रिकेट को चलते हुए। और भाई अदनान भाई का हमने तारुफ नहीं कराया भाई जान, अदनान भाई हमारे बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। अदनान भाई जो है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टेस्ट प्लेयर हैं, नौमान भाई के अदनान भाई मामू हैं, तो ये एजाज भी अदनान भाई को जाता है, और बड़े सीनियर प्लेयर हैं हमारे अदनान भाई। तो अब आप कभी ना, मतलब वक्तन फवक्तन आप लोग हमारे व्लॉग में अदनान भाई को भी देखते रहेंगे, तो आज अदनान भाई का तारुफ भी हो गया हमारे व्लॉग में। अदनान भाई आप अपने साथ देना आपके भाई का फुल। बिल्कुल भाई, हम तो साथ ही हैं आपके भाई जान। ये तो सीन हो गया यार, हम जितनी जल्दी जल्दी कर रहे थे राफे, बंदे तो हमारे हैं ही नहीं यार। नहीं अदनान भाई, एक बंदा आ रहा है पीछे बाइक चला, बंदे तो हैं साइड में खड़े हैं। अरे ये बबली है, अरे बबली भाई खड़े हैं, बबली भाई खड़े हैं भाई। सारा हमारा वेट कर रहे हैं और दिल से गालियां दे रहे होंगे। 1 hour later बॉलिंग करेंगे ओवेस, बिलाल भाई का बेहतरीन शॉट, बेहतरीन गली नंबर प्लेट नंबर 31 के ऊपर गेंद मारते हुए बिलाल रब्बानी मुगल कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं, पिता टाइट करते हुए बिलाल रब्बानी मुगल बॉलिंग करेंगे, बिलाल एवान, बिलाल भाई को बॉल कर बेहतरीन शॉट, बिलाल रब्बानी मुगल का और फुल फॉर्म में बिलाल रब्बानी मुगल 1996 की याद ताजा करते हुए जिन्होंने गुफरान बॉलिंग करेंगे बिलाल को, बिलाल का बेहतरीन शॉट स्ट्रेट की तरफ सीधा ठंडी सड़क पर बॉल फेंक दिए और आंटी ने फुटबॉल खेली, रिवाल्डो और रोनाल्डो की छोटी बहन सुल्तान आल्डो। बिलाल भाई एक बार फिर गुफरान बॉलिंग करेंगे, बिलाल को बॉल करी बेहतरीन शॉट जो कि फील्डर की पहुंच से दूर, थिरो आई एसन की तरफ से जो कि नहीं लगी। गुफरान बिलाल को एक बार फिर बेहतरीन बॉल और बेहतरीन शॉट बिलाल रब्बानी मुगल का, 360 की तरफ बॉल फेंक दी, दो सिंगर एक टिक्का बिलाल की तरफ से, टीम के लिए तैयार है। 1 hour later और ये केक लाए हजार सब बराबर के, और ये हजार सब बराबर। शोर कम करो पागल, अच्छा अपनी शोर कम करो, जल्दी आ। अबे जिसने भी सीन किया ना वो मिल ले आगे, जल्दी आ यार, तस्वीर लो, तस्वीर लो, तस्वीर ले लेंगे। ओ मोबाइल नहीं गिरा दियो, रखो ना जाने मन, ये लो जमीन रख रहा, जमीन पे नहीं मैंने हाथ में रखा। चलो आज चलो भाई, किसकी काट बंदे ऐसे पहले 30 बंदे 30 सब खाएंगे। इधर गर्मा गर्मी होते हुए फड्डा हुई है, इससे व्यूज आएंगे, इससे व्यूज आएंगे। क्रिकेट खेलने की तमीज नहीं है, चला देंगे यहाँ पे भाई, यार के खेल बबली भाई वो क्रिकेट हमारे कप्तान की तरफ। अब हम चलेंगे बबली की तरफ, दिल का हाल आप जानते हैं, धड़कन देखते हैं अब इनकी।
अब धड़कन देखते हैं कि देखो धड़कन चेक नहीं, हमारी धड़कन छोड़ दे उसको, उसको संभाल धड़कन देख सकते हैं आप इनकी। और इधर जाएंगे बिलाल भाई की तरफ। बिलाल भाई तो भाई सीन ये है कि मैच हम लोग जीत गए और बड़ा तगड़ा मैच हुआ है। सीरीज जीत गए भाई हम, और तीन मैच की सीरीज थी, बड़ी तगड़ी सीरीज हुई और खूनी सीरीज, इसका नाम था खूनी सीरीज, बड़े फड्डे हुए भाई। और मज़ा यार यही तो जाम है नाम पे क्रिकेट का यार, जहाँ फड्डा नहीं हो तो फिर मज़े नहीं आया। फड्डा नहीं था, एक बहस होती है बस, वो कभी वाइट बॉल पे, कभी नो बॉल पे, कभी आउट पे, तो यही मज़ा है गली क्रिकेट का। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो फ्राइडे भाई आज तो नमाज का भी टाइम हो गया है सारे, और ऑलरेडी हमें देर हो गई है, तो बस अब अदनान भाई को ड्रॉप करेंगे। तो भाई सीन कुछ ये है कि अदनान भाई को ड्रॉप कर दिया है और बहुत बुरा हाल हुआ है यार आज, तो बहुत थकन हुई है। तीन मैच खेले आज हमने, दो मैच 10-10 ओवर के, और लास्ट मैच जो है हमने 8 ओवर का खेला, वो भी बहुत फाइनल था, वो भी तगड़ा मैच हुआ। वो तो अच्छे मैचेस हुए आज, मज़ा आया। और एक कटिंग भी की हमने, माशाल्लाह 1000 रुपये हमने भाई के, उसके ऊपर हमने कटिंग की, शुगर लगाया 200 मीटर। तो यही टाइम होता है यार, मतलब दोस्तों के साथ शुगर लगाने का, यही आपके पास वक्त होता है क्रिकेट का टाइम के टाइम पे आप दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, मतलब पूरे वीक जो है आप लोग अपनी रूटीन में लगे हुए होते हैं, ऑफिशियल रूटीन में लगे होते हैं, कोई अपना मामला बिजनेस के मामला देख रहे होते हैं, कोई जॉब्स के मामला देख रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बस अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह लगा दूंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।